हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिवीजन। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है नीचे दिए हुए नंबर का नंबर नेम लिखना। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 3002, सेकेंड नंबर 5879, सी नंबर 0766 और डी नंबर 7040। चूंकि हम ये सब पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले क्लास में, इसलिए ये सब आपको आता है। फिर भी हम इनमें से सब में से एक या दो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बाकी का आपको अपने कॉपी में बना के जब स्कूल खुलेगा तब सबमिट करना होगा। क्या लिखना है? राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका नंबर नेम सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू सिस्टम से इसका प्लेस काउंट करेंगे। और याद है, जीरो जहां होता है उसके जगह को हम छोड़ देते हैं। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। पहले प्लेस मिले वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड। ये किस प्लेस पे है? थाउजेंड प्लेस पे है, यानी कि 3000, 100 और 10 प्लस खाली है। क्या हो जाएगा? 3000 एंड 2, क्योंकि ये दोनों खाली है, इसकी जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं 3000 एंड टू। फर्स्ट का हो गया, सेकेंड नंबर देखिए, इसमें प्लेस काउंट कीजिए। ये वंस टेंस हंड्रेड ये थाउजेंड, सबसे बड़ा प्लेस कौन सा? थाउजेंड का। थाउजेंड पे क्या है? फाइव। यहां क्या हो जाएगा? 5000। यहां काउंट कीजिए, एट किस प्लेस पे? वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पे 800। उसके बाद काउंट कीजिए, वंस टेंस सेवन कौन से प्लेस पे? टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे। इसको लिखेंगे 5879। चलिए लिख लेते हैं 5879। बाकी का ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस नंबर को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में उतार लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, राइटिंग फिगर्स, राइट
इन फिगर्स। फिगर्स क्या है? वही नंबर वाला, उसको नंबर नेम में किए थे और इसको नंबर में बदलना है। फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है 6010। सेकेंड नंबर 4200। नेक्स्ट 9100। नेक्स्ट 6150। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 2105। चलिए इसको बनाते हैं। तो चलिए इन नंबरों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है 6010। सिक्स प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इसको गिन लेंगे तो 1000। सिक्स कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे। और यहां 10, 10 यानी कि 1010 प्लेस पे। चलिए ये लिखते हैं 6000। 1000 में कितने जीरो? 3। 6000 के 3 जीरो, जिसमें 1s, 10s और 100 आते हैं। और यहां पे 100 नहीं, हमें ध्यान रखना। हम चेक करेंगे 10, 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये दो डिजिट का हो गया। इसमें पहला वाला 1s हो गया, दूसरा वाला 10s हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सिर्फ 10 दिया है तो ये 1s हो जाएगा, नहीं। अगर यहां 10 लिखेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसको भी हम लोग चेक करेंगे। पहले 6010 लिखते हैं तो 100 प्लेस हमारा नहीं है, 100 की जगह पे 0। 1010 यहां पे है तो ये हो गया 6010। अब देखिए, अगर ये 10 हम 1 स्पेस पर लगा देते हैं तो क्या करते हैं? ये 10 तो पहले से है और हमें याद है कितना 1000 3 डिजिट के बाद होता है, तो यहां पे 6 उसके बाद। और ये क्या, हम अगर गलती से इसको 1s मान लिए तो क्या होता है? ये अगर 1s मान लिए तो ये एक डिजिट हुआ, ये दूसरा डिजिट होगा और ये तीसरा डिजिट होगा, इसके बाद 6 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, तो अगर इसको प्लेस वैल्यू में काउंट करते हैं तो 1s, 10s, 100s, 1000, 10000, ये 10000 पे चला गया। तो क्या ये 6000 रहा? नहीं, इसलिए ये सही। इसको भूल के भी 1s प्लेस पे नहीं रखना, इसे हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट वाले बनाए जाए 4200। अब ये कैसे सॉल्व होगी? ये भी उसी तरह प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से बनेगा। सबसे पहले बड़ा डिजिट देखेंगे क्या है, 4000। 1000 प्लेस पे क्या है? 4।
उसके बाद 200 और 100 के प्लेस पे अब 2 है, अब कौन कौन से प्लेस खाली होगा, 1s और 10s। चलिए अब इसको लिख के देखते हैं, 4200 200, ठीक, बाकी के भी इसी तरह बनेंगे। इसको कॉपी पे नोट करके आए के बना लीजिए।